तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इस बैनर के बारे में कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि फ्री फायर में एक बैनर का अपडेट हुआ है, बट ये है कि ये तो एक्चुअली कल से स्टार्ट होगा, कल 1:30 बजे से स्टार्ट होने वाला और ये शायद इंडिया में कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिटेल्स देने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ कुछ अलग चीज़ है और ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके बाद ग्रेट टच बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जब मैंने इसे इस चीज़ को देखा था, यानी कि मैप के अंदर, यानी कि गेम के अंदर, मैंने गेम को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद आपको बैनर सिर्फ देखने के लिए मिलता है, उसको उसे ओपन ऊपर करने का कोई भी चांस नहीं, सिर्फ आपको बैनर देखने के लिए मिलता है। तो मैंने बैनर देखा, तो मैंने उसे ओपन किया था, बट वो ओपन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यार है क्या, तो मैंने फिर करीना का जहाँ से ऑफिशियल न्यूज़ निकलती है मैंने वहाँ पर गया, तो वहाँ पर लिखा हुआ मिला, यहाँ पर लिखा हुआ रेसरेक्टिंग ऑन, यानी कि 17 मई 13:30, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 24 घंटे को हटा के 12 घंटे में देखा जाए तो यहाँ पर 1:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर ले इसकी में अर्थ की, तो यहाँ पर होता है पुनर्जन्म, और आप उस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका चीज़ होता, मतलब उसका हिंदी होता है पुनर्जन्म। तो गरीना ने जो वहाँ पर पेज में दी है, तो मैंने वहाँ से जब रीड किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा गया है कि गरीना जब स्टार्टिंग में गेम को लाया था, जब स्टार्टिंग में गेम को लाया था, तो उनमें वो कुछ बहुत सारा अच्छे खासे चीज़, मतलब बहुत सारा ऐसे चीज़ थे जो मतलब गेम को कुछ इंटरेस्टिंग लुक देता था, बट जब धीरे धीरे अपडेट होता गया तो उस सब चीज़ को ख़त्म करता गया। मतलब जब अपडेट होता था तो कुछ न्यू आता है तो कुछ पुराना चीज़ को हटाना पड़ता है, क्योंकि उसे ऐड करने के लिए उसे स्पेस चाहिए। और गरीना, आपको पता है कि यहाँ पर गरीना जो बिल्कुल एक छोटा साइज का गेम है जो 1GB RAM पर भी वर्क करता है, इसी वजह से गरीना ने मतलब जो फास्ट में चीज़ को दिया था, जो स्टार्टिंग में जितने भी चीज़ को दिया था, तो गरीना ने धीरे धीरे उसे रिमूव करता गया और यहाँ पर कुछ नया नया चीज़ ऐड करता गया और उसे रिमूव करता गया। बट गरीना ने सोचा कि उस चीज़ के लिए हम लोग गेम जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ था जिसके वजह से गेम हम लोग को पॉपुलर हुआ था, बट उस चीज़ को हम लोग दोबारा लाना चाहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया पुनर्जन्म। यानी कि गेम में जो पहले जो चीज़ आया था, अब आपको गेम में वो चीज़, आपको उनमें से बहुत सारी चीज़ आपको गेम में देखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि गेम में अगर ये अपडेट आ जाती है तो गेम का जो मतलब लुक होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा और देखने में बिल्कुल ही अलग से लगने लगेगा, अगर इस चीज़ को मतलब फुल्ली डिटेल्स में अगर अपडेट किया जाए जिस तरह से वो बताया गया उसके हिसाब से। तो मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिली, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को जानने के लिए मतलब उत्सुक होंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या और हम लोग क्या मिलेगा। तो इसका फाइनल डिसीजन तो हम लोग कल देखने के लिए मिल ही जाएगी, और कल जब ये अपडेट्स आएगा तो मैं डिटेल्स में आप लोगों को उसका भी वीडियो दे दूंगा। तो आज की वीडियो में आपको इतना सही बताना था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।